एक दिन यह घोषणा हुई कि पुरानी सारी भर्तियां रद्द की जा रही है। यह सुन करके हम लोग के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 3-4 दिन तक वो लड़का खाना नहीं खाया, बिस्तर पर पड़ा पड़ा रोता रहा। हम लोग को डर हुआ कि कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए रात भर जा करके जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं विमलेश पांडे, जिला सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। बहुत ही दुख के साथ मैं अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, मैं आप लोगों से बार बार नहीं बल्कि हजार बार हाथ जोड़ करके यह विनती करता हूँ, दया की भीख मांगता हूँ। साथ में हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय जी, आप लोगों से मैं यह विनती करता हूँ कि कृपया करके ये एयरफोर्स के जो बच्चे हैं, जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, जिनका ट्रेनिंग रुकी हुई है, और इंडियन आर्मी के जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल पास होकर के परीक्षा के लिए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कृपया उन लोगों का परीक्षा करवा दें। मैं यही विनती आप लोग से करता हूँ। मैं सिवान जिले बिहार से हूँ। सिवान जिले में एक श्री श्री 1008 ब्रह्म सम्राट बाबा हरि राम ब्रह्म मंदिर है, मैं उसी मंदिर का पुजारी हूँ। मेरा भी एक लड़का इंडियन आर्मी में 2016 से तैयारी करता था, रात दिन दौड़ता था, चाहे जाड़े की रात हो चाहे अंधेरी काली रात हो, उसका जज्बा देख करके हम मंदिर के जितने भी पुजारी थे सब प्रसन्न हुए, कहे कि चलो एक मंदिर के पुजारी का लड़का भारत देश की रक्षा के लिए जा रहा है, बहुत खुशी हुई। साथ में NCCC सर्टिफिकेट भी है उसके पास, देखिए ये रहा उसका NCCC सर्टिफिकेट था। ये एडमिट कार्ड है उसका, 2019-20 में वो फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया। पूरे मंदिर परिवार और घर परिवार के लोगों में इतनी खुशी हुई कि चलो, एक दिन यह घोषणा हुई कि पुरानी सारी भर्तियां रद्द की जा रही है। यह सुन करके हम लोग के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 3-4 दिन तक वो लड़का खाना नहीं खाया, बिस्तर पर पड़ा पड़ा रोता रहा। हम लोग को डर हुआ कि कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए रात भर जा करके उसका देखभाल करते थे, रोता रहता था, बहुत सांत्वना दिया, बहुत समझाया बुझाया, तब जा करके वो किसी तरह कुछ सुधार हुआ। मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति महोदया माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, दया की भीख मांग रहे हैं हम कि जितने भी गरीब के बच्चे हैं, एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कितना मेहनत करके ये लड़के इतना तक पहुँचे हैं। आप तो माननीय राष्ट्रपति महोदय जी खुद अपने बाड़ी से कहा है कि मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ, ये सब गरीबों का आशीर्वाद है। आप तो गरीबी को बहुत करीब से देखी हैं, बहुत मेहनत करके इस लड़के को मैंने आगे बढ़ाया, और जितने भी एयरफोर्स के लड़के हैं
इंडियन आर्मी के लड़के हैं, इनके माता पिता कैसे कैसे मेहनत करके पैसा कहाँ से ला करके क्या करके इन लोगों को इतना पढ़ाया, तैयारी कराया, और एक ही झटके में ये सब क्या हो गया। मैं आप लोग से चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय जी और हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय जी, कृपया करके इन बच्चों के भविष्य को संवार दीजिए। सारे गरीब के बच्चे हैं, दुआ देंगे आपका परिवार जुगो जुगो तक खुशी से भरा रहेगा। कम से कम एक बार इन गरीब के बच्चों को जिंदगी संवर जाने दीजिए। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।